वेतन बढ़ोतरी, ईपीएफ एवं ईएसआई की मांग को लेकर वर्कशॉप की कर्मियों ने किया हड़ताल। पिछड़ी मेन रोड स्थित टाटा मोटर्स वर्कशॉप इनार में कार्यरत कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी एवं अस्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल कर दिया। कर्मियों ने मैनेजर मोहम्मद जहांगीर अंसारी को लिखित मांग पत्र सौंपकर वेतन बढ़ोतरी, ईपीएफ एवं ईएसआई लागू करने व अस्थायी करने की मांग की। सूचना मिलते ही पेटरवार प्रमुख शारदा देवी एवं भाजपा नेता देवीदास सहित मंटू मिश्रा, रोबिन मिश्रा आदि इनार वर्कशॉप पहुंचे और हड़ताल में शामिल कर्मियों की समस्याओं से अवगत हुए। कर्मियों ने बताया कि हम लोग अस्थायी के तौर पर पिछले कई साल से कर्मी कंपनी में कार्यरत हैं। हम लोग का वेतन बढ़ोतरी नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर हम लोगों ने आज हड़ताल किया है। मैनेजर मोहम्मद जहांगीर अंसारी ने बताया कि प्रबंधन ने मजदूरों की मांग को मान लिया। सभी कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी पर प्रबंधन ने सहमति जताई है। सभी कर्मियों का वेतन नंबर से बढ़ाया जाएगा और जनवरी से ईपीएफ एवं ईएसआई लागू किया जाएगा, जिसके बाद मैनेजर ने कर्मियों से अपने अपने कार्य पर जाने का आग्रह किया। मेरा नाम है राजू रजवा। 2011 से हम यहाँ काम कर रहे हैं। बीच में हम पेमेंट बढ़ाने के बोले हैं, उस समय 11 में हमको 4200 रुपया मिल रहा था, 4200 मिल रहा था, तो हम पेमेंट बढ़ाने के लिए बोले तो हमको निकाल दिया गया। निकालने के बाद में हम फिर से 19 में हमको फिर बुलाया गया गोपाल सर कि जे आ जाओ, हमको पेमेंट बढ़ा देंगे। आए तो 10,000 बढ़ाया, मिला के अभी 12,000 रुपया मेरा पेमेंट है। उसमें मेरा घर चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो खैर हम ही जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है। रहा बात की जे SIPF के बारे में, कोई यहाँ सुनवाई नहीं, SI नहीं कट रहा है, PF भी नहीं कट रहा है। और यहाँ से हम लोग अभी PF हो रहा है इसलिए कि जो हम लोग सब वर्कर मिल के बोला गया कि जो नहीं सर दुर्गा पूजा के हम लोग को कम से कम एग्रीमेंट कर दीजिए, तो बोला जा रहा है कि नवंबर की कर नहीं करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि जो अक्टूबर में कर दीजिए, त्यौहार बीत जाएगा तो हम लोग लेके क्या करेंगे। जो भी दीजिएगा, 10 रुपया दीजिएगा, 5 रुपया दीजिएगा, दुर्गा पूजा में हम लोग को खर्चा उसी में कर लेंगे। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको दे दीजिए पूरा NRI, तो हम लोग उतने ही में बोल दिए GM साहब के, हम लोग को गाली गलौज दे दिए मोबाइल से, ऐसे नहीं दिए हैं, मोबाइल से दिए, मोबाइल से दिए हैं। तो हम लोग बोले सारा स्टाफ मिलके कि जा आवे गाली दे रहे हैं बाहर में, कहले फोन से गाली दे रहे हैं, यहाँ सामने सामने आके गाली दीजिए, नहीं देना है देना है नहीं देना है। पूछा जा रहा है कि जो कम से कम हम लोग का आश्वासन दे दीजिए, हाँ या नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे दुर्गा पूजा में, तो गाली कह दे रहे हैं, नहीं बोलते नहीं देंगे एग्रीमेंट कीजिए दुर्गा पूजा से पहले। तो हम लोग उसमें भी काम करने के लिए तैयार थे और हम लोग जाने के लिए तैयार थे, तो गाली देने लगा कि जब साला माधर चौधरी के सबको बाहर गांव में लात मारो और बाहर कर दो, बाहर करने के बाद में ताला मार दो, बस इतने ही से बात है आगे बढ़ने का। देखिए मेरा नाम हुआ शंकर साहु, पिछली इनार में ड्यूटी करते हैं हम, और जब भी हम लोग पेमेंट के लिए हल्ला करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अगला जो अजीत सिंह जो है वो साफ बोल देता है कि वहाँ लोकल आदमी हटाओ और दूसरा किसी को भरो। तो जब भी पार्लियामेंट का बात करते हैं तो सारा चीज़ रोक लगाता अजीत सिंह, आज मालिक का कहना सब कुछ कर देगा, मालिक कोई रोकने लगाता, पर अजीत सिंह का पूरा इसमें हाथ रहता है कि आपको पार्लियामेंट किसी भी वर्कर को नहीं करना, कोई भी वर्कर को नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए सर होता आपसे, मालिक को भी बोल दिया जाता है तो हम संभालेंगे। वर्कर खटेगा, उसका मजबूरी है, उसका कमजोरी है, वो खटेगा, 10,000 में खटेगा, 5,000 में खटेगा, नहीं जाएगा कहाँ। जो काम कर रहे हैं हम तो यहाँ करीब 2001 से लेके 4 तक ड्यूटी किए थे, और 2001 से 4 में जब ड्यूटी पिछड़ी में चोरी हुआ था एक बार बीच में, तो चोरी होने बाद कुल मिला के सारा दिन फंसाया गया था हमको, और फंसाने के बाद जो है जेल में जो हमको थाना में थाना इंचार्ज लोग मारा भी खूब भयंकर, एक लड़का और भी उसके साथ में मारा गया था, दोनों आदमी मारपीट भी हुआ पूरा भयंकर, और प्लस जाके यहाँ पेटवार थाना मारपीट हुआ, हर चीज़ हुआ हम लोग के साथ में। और उसके बाद में फिर हम ड्यूटी छोड़ दिए, फिर हम लोग के यहाँ पर आए गोपाल सर आए, जो भी आए थे मैनेजर ये शर्मा जी हम लोग को बुलाए थे यहाँ पर, सुरेंद्र शर्मा जी, कि उसको पकड़ो शंकर को बुला लो, शंकर को ड्यूटी दीजिए,
तब फिर हम करीबन 14 में ड्यूटी हम ज्वाइन किए, और 14 से अब फिर यहाँ जब बोलने लगे पार्लियामेंट ये सब कुछ करो, तो फिर हम लोग निर्मल सर जो हैं ये सरदार जी वो भी बोल रहे थे कि पार्लियामेंट कुछ नहीं होगा, कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प नहीं। और हाँ 2014 से लेकर 23 तक हम ड्यूटी किए हैं यहाँ पर, और जब हम पार्लियामेंट ये कोई चीज़ की बात की है तो हमको यही बोला गया, देखा कि नहीं हम इससे संभाल पा रहे इसको, तो एक काम करो इसको ऐसे नहीं भगा पाएगा, इसको ट्रांसफ़र करो कि बोकारो। तो बोकारो जाने के बाद तो रास्ता खर्च है मेरा 7,000 रुपया, तो कुल मिला 15 है मेरा सैलरी है, 15 में बच रहा मेरा 8,000। अब 8,000 में एक वो लेबर कुल्ली भी नहीं मिलता जो 26 दिन ड्यूटी करने के बाद भी, बस मेरा यही कहना ना वही जितना आपको जिंदा रहिए, जो खून बनेगा थोड़ा बहुत शरीर में, नहीं ज़्यादा पैसा देने से खून भी नहीं बनना। अगर दो बार मीट खा लिए ना, हाँ दो बार मीट भी अगर खा लिए बना के मटन वटन खा लिए तो कहानी खत्म, घर में पता चला चावल भी नहीं। कंपनी का ये कंडीशन है पेमेंट देने का, और पार्लियामेंट के लिए एकदम पूरा हाथ रहता अजीत सिंह का। अजीत सिंह बराबर बोलता है कोई भी वर्कर को पार्लियामेंट नहीं करना, किसी को भी नहीं। और अपने रिटायर हो गए हैं फिर भी कंपनी में जान दिए हुए, अपने रिटायर है फिर भी कंपनी में जान दिए हुए, कंपनी छोड़ेगा तब ना कोई दूसरा आदमी आएगा, फिर छोड़ना ही नहीं चाहता कंपनी।